हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको कंपनी और टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में बताया था। आज मैं आपको शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में बता रही हूँ। शेयर क्या होता है? शेयर जितना पैसा हमें उस कंपनी को चलाने के लिए चाहिए उसे छोटी छोटी यूनिट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसे हम शेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें शुरुआत में 10 लाख रुपए चाहिए अपनी कंपनी को चलाने के लिए और वो हमें पब्लिक से लेना है तो उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें। जैसे 100 रुपीज़ के पार्ट्स में बांट दें तो आप 10 लाख को 100 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा? 10 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये जो 10,000 आया है ये आए हमारे नंबर ऑफ शेयर, तो हम कहेंगे 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब इस शेयर्स को भी हम कई पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ये हम 100 रुपीज़ एक बार में ही ले लेंगे, इसे भी हम छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। जैसे आपका 100 रुपीज़ का शेयर है तो 20 रुपये मान लो एप्लीकेशन के हो गए, 30 अलॉटमेंट के हो गए, 20 फर्स्ट कॉल के हो गए, 30 फाइनल कॉल के हो गए। इस तरीके से ये हमारा शेयर 100 रुपये का पूरा हो गया, इसे कहते हैं हम शेयर। अब शेयर होते कितने टाइप के हैं बच्चों? शेयर होते हैं 2 टाइप के, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होते हैं ऐसे शेयर उन पे डिविडेंड का रेट जो फिक्स होता है कि भाई इतना मिलेगा तुम्हें, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचे या ना बचे आपको इतने परसेंटेज मिलेगा। इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको पहले राइट होता है प्रॉफिट में हिस्सा लेने का, पहले प्रेफरेंस शेयर लेते हैं सभी खर्चे काटने के बाद और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसे इक्विटी शेयर लेते हैं। अगर कंपनी बंद होती है, मतलब कंपनी किसी वजह से बंद हो जाती है, वाइंडिंग अप, तो उसमें क्या कर होता है कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो भी प्रेफरेंस शेयर को ही होती है अपनी कैपिटल को लेने की। यानी पहले जब कंपनी वाउंड अप होगी तो सबसे पहले जो शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर को मिलेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को मिलेगी। अब ये जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसमें भी कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहला है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव, जैसे नाम से ही पता है चल रहा है कि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड होते जाना। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? लाभ का हिस्सा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, लाभांश, लाभ का हिस्सा। कंपनी में जितनी इनकम हुई, जितने खर्चे हुए, इनकम में से सारे खर्चे माइनस करके जो प्रॉफिट बचा वो शेयर होल्डर्स के लिए पहले प्रेफरेंस को मिलता है, फिर इक्विटी को मिलता है। तो मान लो किसी साल प्रॉफिट नहीं हो पाया, लॉस हो गया, तो उस साल का प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर को अगले साल जुड़कर मिलेगा। इसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी कि किसी वजह से उस साल अगर लाभांश यानी प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिला है तो वो हिस्सा अगले साल के प्रॉफिट में ऐड होकर मिलेगा। अगला हमारा टाइप है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब होता है कि कंपनी में अगर किसी वजह से लॉस हुआ है और इस साल प्रेफरेंस शेयर को उनके प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल पाया है तो अगले साल वो हिस्सा नहीं जुड़ेगा, अगले साल के प्रॉफिट में से अगली बार का ही उनको हिस्सा मिलेगा, यानी कि ऐड नहीं होगा। इसे हम नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया, उसके बाद बचा हुआ इक्विटी को दे दिया और इक्विटी के लिए जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। तो ये कंडीशन शुरू में ही लगा दी जाती है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अगर बहुत सारा प्रॉफिट बचा तो एक फिक्स परसेंटेज से वो लेकर बचे हुए डिविडेंड में से फिर से प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेट कराएंगे, यानी कि फिर से प्रेफरेंस शेयर को और प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। इन्हें कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगला होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, कि प्रेफरेंस शेयर को अपने डिविडेंड के हिसाब से जो भी उनका रेट फिक्स है वो मिल जाएगा, उसके बाद चाहे कितना भी प्रॉफिट बचे, कितना भी, सारा
इक्विटी शेयर होल्डर का ही होगा, प्रेफरेंस शेयर को कोई हिस्सा उसमें से नहीं मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं बच्चों? जिनकी पेमेंट की जो डेट होती है रिडम्पशन की, वो पहले से डिसाइड होती है कि भाई जो हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं वो इतने साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो टाइम पूरा होने पर उनकी पेमेंट कर दी जाएगी, वो होते हैं रिडीमेबल। दूसरे होते हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब होता है कि उनका टाइम फिक्स नहीं है रिडम्पशन करने का, और वो अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो कंपनी का जब तक समापन नहीं होगा, कंपनी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक उनका रिडम्पशन नहीं होगा, जब कंपनी बंद हो जाएगी तभी उनके पैसे की पेमेंट की जाएगी। अगला हमारा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं? कि जिनके लिए एक टाइम लिमिट होती है कि इतने हमने इशू कर दिए प्रेफरेंस शेयर और आगे टाइम बता देंगे कि 1 साल के अंदर या इतने दिनों के अंदर अगर आपको ये प्रेफरेंस शेयर पसंद नहीं आ रहे तो इसके बदले में आप इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं, डिवेंचर ले सकते हैं या पैसे ले सकते हैं। इनको कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। दूसरे टाइप के होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, कि प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए हैं वो जैसे इशू किए हैं वैसे ही रहेंगे, उन पर कन्वर्ट कराने की कोई फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल सब कुछ सोच समझ के ही खरीदे जाएं। ये होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर। दूसरे और मेन हेडिंग है हमारे इक्विटी शेयर की। एक्चुअल में जो कंपनी के मालिक होते हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर सबसे बाद में पेमेंट लेते हैं कंपनी के लिक्विडेशन पे भी, और डिविडेंड का हिस्सा भी सबको देने के बाद, सारी पेमेंट होने के बाद, आउटसाइड लायबिलिटी पेमेंट होने के बाद, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट होने के बाद, जो कुछ कंपनी का प्रॉफिट बचता है उसे सबसे आखिरी में हमारे इक्विटी शेयर होल्डर बांटते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे टाइप ऑफ शेयर।